हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल गुड। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम आपके लिए UPSC GS-JK का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? 2010, 1992, 1975, 2973। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में, तो राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। और अगर आपसे पूछे कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में कैगा है। और तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में कुडन कुलम। नेक्स्ट देखेंगे, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। एकांकागुआ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ये कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी। चिनाब पर कौन है? चिनाब पर रतले है और क्वार विद्युत जल विद्युत परियोजना है, क्वार। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? 1885, 1901, 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। अध्यक्षता इन्होंने की थी बेलगाम अधिवेशन। और कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा बिलग्राम अधिवेशन, ठीक है दोस्तों, बिलग्राम अधिवेशन। आगे देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के। राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के थे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और उसके बाद ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे, तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, आप इनको कह सकते हैं, ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान के रचयिता। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए किसके रचयिता हैं, तो ये राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर देखिए कौन है, तो ये भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है 3:2, 2:4, 3:4, 4:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। लंबाई इसमें 3 है और चौड़ाई कितनी है, 2 है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे,
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल का सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल होता है कितना होता है, तो ये आर्टिकल इनका होता है 75। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है, इनका होता है 52। अगर उपराष्ट्रपति का पूछ ले तो इनका होता है 63। आगे देखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की, तो ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो देखेंगे 1296 से 1316 तक। इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, या फिर इसी को सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसने कुछ काम और किए थे, जैसे अस्थाई सेना का गठन किया था, अस्थाई सेना का गठन, सैनिकों को नगद वेतन देने की जो है प्रथा, और दाग और हुलिया प्रणाली भी इसी ने चालू की थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, मातृदेवी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, मातृदेवी। और साथ ही साथ ही वृक्ष पूजा करते थे और पशु पूजा भी किया करते थे, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघस्थनेश किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मेघस्थनेश की पुस्तक का नाम क्या है, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, ब्राह्मी, संस्कृत, पाली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, संस्कृत। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो संस्कृत थी। ये क्या था, ये सबसे प्राचीन वेद था, सबसे प्राचीन वेद था जो ऋग्वेद था, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी, ठीक है दोस्तों, वेदव्यास। और अगर आपसे पूछ ले वेद त्रयी कौन कौन से हैं, वेद त्रयी कौन कौन से मिलाकर बनाए जाते हैं, बने हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। वेद त्रयी मिलाकर ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, वेद त्रयी बनता है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में देखें कितने जो है मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसके पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, होत्री कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें सूर्य देवता, सूर्य देवता या सवृत्त या फिर इसी को सावित्री भी कहा जाता है, ये इनको समर्पित इसमें गायत्री मंत्र, ठीक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कालाशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, अशोक के शासनकाल में होती है। और ये होती कब है, 251 ईसा पूर्व में होती है, 251 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है, तो ये पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है।
और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मोगली पुत्र तिश्य, मोगली पुत्र तिश्य इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन मुगल बादशाह अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर। और इसने क्या किया था? तो इसने न्याय का घंटा बनवाया था, न्याय का घंटा। और अगर आपसे पूछा जाए इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम सलीम था और अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहते थे, शेखू बाबा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब को। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1658 से 1707 तक, 1658 से 1707 तक। इसने 1675 ईस्वी में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुर्कान जहांगीरी का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जहांगीर, ईश्वर नागर, ईश्वरदास नागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर। अब देख लेते हैं, इसी में गुलबदन बेगम है, तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। नेक्स्ट देखेंगे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, विपिन चंद्र पॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। अब देख लेते हैं इनको क्या कहा जाता है। तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, भारतीय अशांति का जनक। और क्यों कहा गया है? तो इन्होंने जो है कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, और इसी वजह से एक अंग्रेज़ हैं वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने इनको क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। आगे देखेंगे। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564, 1759, 1562, 1563। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1564। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो 1564 में की थी। और इसने एक धर्म अपनाया था, दीने इलाही धर्म, जिसको इसने 1582 में अपनाया था, दीन इलाही। अगर आपसे पूछ ले दीन इलाही धर्म मानने वाला प्रथम हिंदू, तो कौन था? ये बीरबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, आचार्य विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। हरिजन संघ की स्थापना कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी करते हैं। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा। तीन को महात्मा गांधी की जो उपाधि थी किसने दी थी? टैगोर जी ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। और इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो इनको माउंट बेटन ने कहा था, माउंट बेटन। नेक्स्ट देखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्रनाथ राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो इनकी रचना एक है गीतांजलि, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। और देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण।
जैसे है दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी है, इंदिरा है, मृणालिनी है, मृणालिनी, राधा रानी है, राधा रानी, और देवी चौधरानी है, देवी चौधरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, श्रीवत रानाडे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड, भारत 2020, भारत 2020, टर्निंग पॉइंट, ये सब इनके महत्वपूर्ण क्या हैं, पुस्तकें हैं, टर्निंग पॉइंट्स। तो दोस्तों आज यहीं तक वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।